तो दोस्तों नमस्कार, आज का आप टाइटल और थंबनेल लेके समझ ही गए होंगे आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपका आधार नंबर या EID नंबर ये आपका खो गया है जी, दोस्तों अगर आपका आधार नंबर जैसे आपका कहीं आधार कार्ड खो गया है तो आप आधार नंबर भी अगर आपको याद नहीं है तो आधार नंबर किस तरीके से निकालेंगे, तो आज की पूरी वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो बस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बस यहाँ पर आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो पता होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा ही यहाँ पर हम अपने आधार नंबर को पता कर पाएंगे। तो दोस्तों सिंपली क्या है कि ये जो वेबसाइट मैंने खोल रखी है ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आप क्लिक करके उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपने नाम के नाम और मोबाइल नंबर डाल के आप आराम से अपना आधार नंबर पता कर सकते हैं। आधार नंबर कैसे पता कर करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर अपना नाम भरेंगे, नाम भरने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है, और मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पर एक जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर OTP भेजा जाता है। तो ये मैंने भर लिया, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करूँगा। ये कैप्चा कोड फिल कर दिया, उसके बाद सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो ये अभी यहाँ पर रॉन्ग कैप्चा यानी कैप्चा कोड गलत भर गया, तो दोबारा से भरता हूँ मैं यहाँ। ये मैंने भर लिया, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जनरेट होकर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हम OTP का अब इंतज़ार करते हैं। ये मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, OTP आ चुका है, तो OTP आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया है। तो OTP भरेंगे, OTP जैसे ही आप यहाँ पर भरेंगे उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि और आधार नंबर 73 रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। अभी आपको कुछ टाइम पर इंतज़ार करना है, आपके मोबाइल नंबर पर आपका आधार नंबर SMS के माध्यम से भेज दिया जाएगा, और जो आपके SMS के माध्यम से आपके पास आधार नंबर आ जाएगा उससे आप अपना आधार नंबर आराम से डाउनलोड कर पाएंगे, और उसके बाद अपना आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं अपना आधार नंबर यूज करना है तो आप अपना आधार नंबर भी आराम से यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ वाली का बेल आइकन भी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।